हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अनदर मैथमेटिक्स पजल वीडियो। चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, 1 + 30 जिसका सम आपका इक्वल दिया गया है 31 के इक्वल दिया गया है। नेक्स्ट 2 + 40 जिसका सम आपका इक्वल दिया गया है 48 के इक्वल दिया गया है। नेक्स्ट 3 + 50 जिसका सम आपका इक्वल दिया गया है 77 के इक्वल दिया गया है। और लास्ट में आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, 4 + 60 किस चीज के इक्वल होगा, ये आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में फाइंड करना है। चलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको 10 सेकंड्स दे देता हूँ। अगर आप इन 10 सेकंड्स के अंदर अपना आंसर निकाल देते हैं तो आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। अगर आपने 10 सेकंड्स के अंदर अपना आंसर निकाल दिया है तो आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, 1 + 30 जिसका सम आपका इक्वल होगा 31 के इक्वल होगा, और आपको यहाँ पे भी इक्वल दिया गया है 31 के इक्वल दिया गया है। नेक्स्ट 2 + 40 जिसका सम आपका इक्वल होगा 42 के इक्वल होगा, और आपको यहाँ पे इक्वल दिया गया है 48 के इक्वल दिया गया है। नेक्स्ट 3 + 50 जिसका सम आपका इक्वल होगा 53 के इक्वल होगा, और आपको यहाँ पे इक्वल दिया गया है 77 के इक्वल दिया गया है। और लास्ट में आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, 4 + 60 जिसका सम आपका इक्वल होगा 64 के इक्वल होगा, और आपको यहीं पे बताना है कि क्वेश्चन मार्क्स की जगह यहाँ पे आपका कौन सा नंबर आएगा। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सिंपली आपके पास क्या फॉर्मूला बनेगा। सबसे पहले स्टेप में आपको क्या करना है, आपको लेना है x का क्यूब और उसमें आपको प्लस करना है y को प्लस करना है। यहाँ पे जो x की वैल्यूज रहेगी वो रहेगी फर्स्ट नंबर्स एंड जो y की वैल्यू रहेगी वो रहेगी सेकेंड नंबर्स रहेगी। चलिए इन सभी वैल्यू को यहाँ पे फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं। सबसे पहले स्टेप में आपको क्या करना है, आपको लेना है x का क्यूब। यहाँ पे जो x की वैल्यू रहेगी वो रहेगी 1 और जो y की वैल्यू रहेगी वो रहेगी आपके पास यहाँ पे 30 रहेगी। 1 का क्यूब जो कि आपका इक्वल होगा 1 के इक्वल होगा, और उसमें आपको प्लस करना है 30 को प्लस करना है। 1 + 30 जिसका सम आपका इक्वल होगा 31 के इक्वल होगा, और 31 आपको अपने स्क्रीन पे भी दिख रहा है। उसी तरह नेक्स्ट में भी आपका सेम फॉर्मूला यूज होगा। यानी कि सबसे पहले स्टेप में आपको क्या करना है, आपको लेना है x का क्यूब। यहाँ पे जो x की वैल्यू रहेगी वो रहेगी 2 और जो y की वैल्यू रहेगी वो रहेगी 40। यानी कि आपको यहाँ पे लेना है 2 का क्यूब जो कि आपका इक्वल होगा 8 के इक्वल होगा, और 8 में आपको प्लस करना है 40 को प्लस करना है। यानी कि आपको लास्ट में यहाँ पे सम लेना है 8 + 40 का सम, जिसका सम आपका इक्वल होगा 48 के इक्वल होगा, और 48 आपको अपनी स्क्रीन पे भी दिख रहा है। इसी तरह नेक्स्ट में भी आपका सेम फॉर्मूला यूज होगा। यानी कि सबसे पहले स्टेप में आपको क्या करना है, आपको लेना है x का क्यूब। यहाँ पे जो x की वैल्यू रहेगी वो रहेगी 3 और जो y की वैल्यू रहेगी वो रहेगी 50। यानी कि आपको यहाँ पे लेना है x का क्यूब जो कि आपका इक्वल होगा 27 के इक्वल होगा, और उसमें आपको प्लस करना है 50 को प्लस करना है। यानी कि यहाँ पे जो लास्ट स्टेप बचेगा वो बचेगा आपके पास 27 + 50 बचेगा, जिसका सम आपका इक्वल होगा 77 के इक्वल होगा, और 77 आपको अपने स्क्रीन पे भी दिख रहे हैं। इसी तरह लास्ट में भी आपका सेम फॉर्मूला यूज होगा। यानी कि सबसे पहले स्टेप में आपको क्या करना है, आपको लेना है x का क्यूब। यहाँ पे जो x की वैल्यू रहेगी वो रहेगी 4 और जो y की वैल्यू रहेगी वो रहेगी 60। यानी कि आपको यहाँ पे लेना है 4 का क्यूब जो कि आपका इक्वल होगा 64 के इक्वल होगा, और 64 में आपको प्लस करना है 60 को प्लस करना है। 64 + 60 जिसका सम आपका इक्वल होगा 124 के इक्वल होगा। यानी कि जहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क्स दिख रहे हैं वहाँ पे आपका क्या आएगा, 124 आएगा। अगर आपने पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है तो आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। आई होप दिस वीडियो फाइंड इन्फॉर्मेटिव। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।